दमीदापुर वाला से दिस इज रितिका। आपने मल्टी टैलेंटेड लोग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं, ही इज मल्टी टैलेंटेड बट दो बिल्कुल अलग अलग जॉनरेज में। ही इज एक्चुअली अ बिजनेस टाइकून, बट इसके साथ ही इज ऑल्सो एन ऑथर, और अब तक उन्होंने अपनी 5 बुक लिखी है और पब्लिश कर चुके हैं वो। वी आर स्पीकिंग अबाउट मिस्टर संदीप मुरारका, जिनसे टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्जेशन। बट एज अ बिजनेसमैन शहर में उन्हें हर कोई जानते हैं, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द अदर साइड ऑफ हिम, यानी हाउ इज़ ही एज एन ऑथर, एक लेखक के तौर पर उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी विचारधाराएं कैसी हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो अप एंड मीट हिम, एंड आई एम श्योर कि आज का हमारा ये एपिसोड इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। हेलो सर। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड हम जो ये आज प्लेस आए हैं, दिस इज रियली ब्यूटिफुल, एंड थैंक यू इस जगह लाने के लिए फॉर दिस इंटरव्यू टू हैपन। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग शहर से बहुत दूर एक सुकून भरे माहौल में और प्राकृतिक माहौल में बैठकर कुछ बातें करेंगे। मैं इसे इंटरव्यू के रूप में नहीं देखता, मैं सोचता हूँ कि कुछ हम लोग कुछ चर्चा करें और कोशिश करें कि गांव में शहर ना बसाएं, बल्कि मुझे लगता है कि इस तरह के गांव को हम लोग शहर में ले चलें। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एज अ बिजनेसमैन शहर में बहुत लोग आपका नाम जानते हैं, लेकिन आज हम आपको एज एन ऑथर, आपकी लाइफ क्या है वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, की शुरुआत आपकी कैसे हुई थी, अबाउट योर स्टडीज, एंड स्टार्टिंग में आप क्या करना चाहते थे आगे, बिफोर कमिंग इनटू बिजनेस एंड अभी इनटू लिटरेचर। मुझे लगता है कि आदमी की सोच अपने कैरियर के प्रति हर 5 साल में बदलती रहती है। स्टार्टिंग के जो बचपन का कैरियर में जो सोच होती है, बचपन में जब बच्चा वीडियो गेम खेलता है या टीवी देखता है, तो उसकी सोच होती है कि जो कैरेक्टर होता है वो उसमें घुस जाता है। यदि हम लोग स्पाइडरमैन देख के बड़े हुए तो हमें लगता है कि स्पाइडरमैन बन जाएंगे। यदि हमने कोई दिन अगर चित्रकथा देख ली तो हमें लगता है हम राजा बन जाएंगे। बिल्कुल हाँ। लेकिन होता है क्या कि धीरे धीरे सोच बदलती जाती है और परिस्थितियाँ आपको बदलती रहती है। मैं जब कॉलेज में आया 93 में, मैंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हुई। okay. और मैं उस समय दैनिक आज में मैं नौकरी करने लगा। उसके पहले किताबों का मुझे बहुत शौक़ था, और किताबों का शौक़ इसलिए था कि मेरे पापा के पास में बहुत सारी किताबें हुआ करती थी। okay. गुरुदत्त एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, गुरुदत्त के तकरीबन 400 किताबें उन्होंने लिखी, मेरे घर में 400 किताबें थी। और उसी पीरियड में मैं जगत बंधु सिंहासन पुस्तकालय, मुझे लगता है जमशेदपुर की पहली साहित्यिक संस्था होगी, वहाँ जाया करता था। वहाँ तकरीबन 10,000 पुस्तकें थी, तो मैं उन पुस्तकों को काफ़ी पढ़ता था, तो मुझे लिटरेचर से शौक हो गया। तो यदि मैं बिजनेस बैकग्राउंड का नहीं होता और मैं बाईकास्ट गलती से मारवाड़ी नहीं होता, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी जगह पत्रकार होता और किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहा होता। मैं अपने जीवन में यदि सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ तो मुझे लगता है मैं इसी को मिस करता हूँ। अब तक 5 किताबें आप लिख चुके हैं, तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को अपनी किताबों के बारे में बताएं। रितिका जी, मेरी 5 किताबें जो आई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो ट्राइबल्स पे ज़्यादा काम किया है जी। शिखर को छूते ट्राइबल्स के नाम पर मैंने एक सीरीज बनाने की कोशिश की है, शिखर को छूते ट्राइबल्स पार्ट 1, शिखर को छूते ट्राइबल्स पार्ट 2 और शिखर को छूते ट्राइबल्स पार्ट 3। ये प्रलेख प्रकाशन से आई है पार्ट 3, और पार्ट 1 और 2 आई है आपको स्टोरी मिरर से। मैंने, आप जहाँ बैठी हैं ये ट्राइबल एरिया है जी, हाँ। और मैं अपने कैरियर की स्टार्टिंग में ही ट्राइबल एरिए से जुड़ गया। मेरे सारे लेबर्स जो हैं ये ट्राइबल्स हैं। मैंने कभी भी इस फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा। ट्राइबल्स इतने सीधे और सरल होते हैं, इतने सीधे और सरल होते हैं, जबकि पूरे भारत के ट्राइबल्स कमाल का काम कर रहे हैं। सबसे खास बात क्या है, इन जो मेरी पुस्तकों में जिन ट्राइबल्स का जिक्र है, इनकी सबसे खास बात यह है कि इन लोगों का कैरियर फूस की झोपड़ी से स्टार्ट होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, इसमें बुक 1 में एक नाम है जल पुरुष सीमोन उराव। अभी सीमोन उराव, ये जल पुरुष, इन्होंने बांध बनाया 45 फीट का। अच्छा। अपनी बल पर
जब इनको पद्मश्री मिल गई, पहली बात तो जब पद्मश्री अनाउंस हुई तो इनको कहा गया आप दिल्ली जाइए, तो बोला अरे बाबा हम कहाँ से दिल्ली जाएगा। देखिए कितना सरल व्यक्ति। फिर इसको उपायुक्त आए, समाज जो रांची के समाज सेवी लोग हैं उन लोगों ने कोशिश की कि इनको किसी तरह से भेजा जाए, और उन लोगों ने स्पॉन्सर करके उनको कपड़े दिलवा दिए, उनको दिल्ली भेज दिया, पद्मश्री लेकर आ गए। जो अपना कल्चर होता है, रांची की सामाजिक संस्थाएं एक्टिव हो गई, पॉलिटिकल लोग एक्टिव हो गए, इनको सम्मानित करने लगे। कोई इनको बुके देता था, जब ये कार्यक्रम में जाते थे शॉल उड़ाता था, मोमेंटोस देता था। सिमोन उराव के घर में आपका जैसा कोई पत्रकार पहुंचा एक साल बाद जब उसकी झोपड़ी में देखता है, तो उस झोपड़ी की मट्टी की दीवार पे पद्मश्री टंगा हुआ है और ढेर सारे सूखे हुए बुके और फूलमाला लगी हुई है। अच्छा। तो आपकी जैसी पत्रकार उसे पूछती है, बाबा ये सब सूखा हुआ फूल है, ये सूखा हुआ बुके, आप इसको क्या कर रहा है? अब वो ट्राइबल, मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ कि ट्राइबल बहुत सरल होते हैं, वो कहता है बाबू मेरे को इतना श्रद्धा से, इतना इज्जत से, इतना सम्मान से कोई आदमी फूल दिया, हाँ वो सूख गया तो हम उसको कैसे फेंक देगा? तब तो बाबू हम बूढ़ा हो जाएगा, आप हमको फेंक देगा। हाँ। देखिए कितनी सरलता होती है आदिवासियों में। इसलिए मैं ट्राइबल्स के बारे में लोगों लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन पर शोध हो। सर ये तो बात हो गई कि आप ट्राइबल्स को लेकर आपने किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर हम बात करें एज अ रीडर, तो आपको किस जॉनरे की बुक्स पढ़ना पसंद है? देखिए यहाँ भी वही बात आती है जो मैं आपको जब बुक लिखने की बात कर रहा था उस समय जो मैंने कहा कि हर 5 साल में या हर 50 पुस्तक के बाद आपका टेस्ट बदल जाता है। जी बिल्कुल। आदमी जब पढ़ना चाहता है, स्टार्ट करता है, यदि हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है तो वो सोचता है कि प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़ ली, मैत्री शरण गुप्त को पढ़ना चाहिए, महादेवी वर्मा को पढ़ना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है ये बड़े बड़े नाम सुनकर। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते हैं आपका टेस्ट चेंज होते जाता है, आपकी सोच विस्तृत होती जाती है। मेरा ये मानना है बाबा नागार्जुन को भी पढ़ना चाहिए, कुमार विश्वास को भी पढ़ना चाहिए, अनिल यादव को भी पढ़ना जरूरी है, तो डॉक्टर राकेश मिश्रा को भी पढ़ना जरूरी है, जयरंदन जैसे कामरेड को पढ़ना जरूरी है, तो जो बंदा आरएसएस पे लिख रहा है उसको भी पढ़ना जरूरी है, इतिहासकार अगर रामचंद्र गुहा को पढ़ना जरूरी है, तो वर्तमान में जो अगर कोई इतिहास पर यदि शोध कर रहा है तो उस पर भी पढ़ना जरूरी है। तो जितना हम पढ़ेंगे हम उतना अच्छा शब्द गढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वेरियस टाइप ऑफ बुक्स पढ़ता हूँ, सभी वैरायटीज में जाकर। और मेरे अपने निजी संग्रह में मुझे लगता है 1000 से ज्यादा बुक्स होंगी। ओके, अच्छा, सो दैट्स अ ग्रेट नंबर। सर आपने जैसे बताया कि आपने बुक्स लिखी हैं ट्राइबल्स पर और आपने ऑब्वियसली उनके ऊपर रिसर्च किया होगा, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां आपने ट्राइबल्स की लाइफ को बहुत करीब से देखा है। सो एक जो मुद्दा है वो हमेशा से ही विवादों में भी रहा है, लोग इस पर सबके अलग अलग विचार होते हैं, इट्स अबाउट आरक्षण, रिजर्वेशन। तो आपके इस पर क्या विचार है? आज के स्टूडेंट्स के लिए बात जरूर रिजर्वेशन को जोड़ूंगा। आजकल के जो हमारे जनरल क्लास के, चूंकि मैं जनरल क्लास का हूँ, तो जनरल क्लास के हमारे जो बच्चे हैं बहुत आसानी से एक बात कह देते हैं, अंकल देखिए ना मेरा 90% आया, उसका 45% आया, पर रिजर्वेशन के चलते उसको सीट मिल गई। बहुत आसान है कह देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना ट्राइबल के ऊपर कि हाँ रिजर्वेशन तो है, प्राइमा फेसी लगता है गलत है, लेकिन क्या कभी किसी ने गौर किया उसके संघर्ष को? वो जिस जगह पैदा हुआ है ना, उसको ये पता नहीं है कि चाउमीन और ये पिज्ज़ा और बर्गर और ब्रांड तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो स्कूल कभी चप्पल पहन कर नहीं गया। पास में स्कूल है, यहाँ 10 स्कूल मिलेगी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल तो मिलेगी ही नहीं। आप वहाँ जाकर पता कीजिए कितने बच्चे, शूज तो बड़ी बात रहेगी, चप्पल पहनकर कितने बच्चे आते हैं, और कितने बच्चों के घर में सॉक्स होगा। तो वैसी स्थिति में जो बच्चे ब्लेजर पहनकर स्कूल जाते हैं, वो बच्चे एसी गाड़ी में जाकर एसी रूम में बैठकर जब रिजर्वेशन पर चर्चा करते हैं तो बहुत खराब लगता है। रिजर्वेशन तब तक जरूरी है जब तक इनका ग्रेड अपलिफ्ट नहीं हो जाए। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन को समझने के लिए जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उनका जीवन जीना होगा, तब आप समझ पाएंगे रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। मेरे दृष्टिकोण से रिजर्वेशन में कोई बुराई नहीं है। अभी
थोड़ी देर पहले आप बता ही रहे थे कि कुछ हैं कि वो आरएसएस पर लिख रहे हैं, कुछ हैं कि वो कॉमरेड कम्युनलिज्म को लेकर लिख रहे हैं। तो हर किसी की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, किसी की राइट, किसी की लेफ्ट, तो आप किस विचारधारा के हिसाब से लिखते हैं? रितिका जी, मेरी विचारधारा, हम लोग जहाँ खड़े हैं, मेरे सामने है ये जो गाय है, ये मेरी विचारधारा है। मैं विशुद्ध हिंदुत्व विचारधारा का हूँ। लेकिन कौन सी विचार हिंदुत्व की विचारधारा? जय श्री राम का नारा लगाने वाले हिंदुत्व की विचारधारा का मैं नहीं हूँ। मैं बिल्कुल उसका विरोधी हूँ। मैं समाजवाद की विचारधारा का हूँ। मैं महाराजा अग्रसेन की विचारधारा का हूँ। एक ईंट एक रुपये की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। मैं रामन और लोहिया की विचारधारा का हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है, चाहे वो लेखन हो चाहे वो धर्म हो, हिंदू धर्म का जितना नुकसान हमारे मठाधीशों ने, हमारे शंकराचार्यों ने, हमारे ये धर्म प्रचारकों ने किया है, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। हम किसी दूसरी जाति पर लाख आरोप लगाते रहे, सारे आरोप बकवास है। अपने देश में तकरीबन 1500 बोलियां बोली जाती है। अपने भारत में यदि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 7500 बोलियां बोली जाती है भाषाएं। अपने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद केवल 75 भाषाओं में हुआ है। जबकि अब बाइबल की यदि बात करें, हम लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म का बहुत प्रचार हुआ, क्यों नहीं होगा? वो डेडिकेटेड लोग हैं। उन लोगों ने 3500 भाषा में बाइबल का ट्रांसलेशन करवाया। आज सपोज कीजिए रीगल ग्राउंड में एक बहुत बड़े महात्मा आकर एक कार्यक्रम करते हैं और प्रवचन देते हैं और 1 करोड़ रुपए का बजट है, क्या उस कार्यक्रम में एक भगवत गीता निःशुल्क मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप पूरे भारत के किसी भी कोने में रहिए और किसी भी भाषा की बाइबल आप ढूंढने जाइए, 36 से 48 घंटे के भीतर या 72 घंटे के भीतर वो बाइबल की उस भाषा की प्रति आपके पास होगी। तो अब बताइए कि अपने धर्म के प्रति कौन सजग है। आरोप लगा देना बहुत आसान है। देखिए, धर्म का प्रचार गले में भगवा डालकर और जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं होगा, और दूध देने वाली गाय पालने से भी नहीं होगा। सूखी गाय जिस दिन हम पालना सीख जाएंगे और जिस दिन हम अपने धर्म के प्रति अपने कमरे के अंदर बात करना सीख जाएंगे, उस दिन प्रचार होगा, बाहर प्रचार करने से नहीं होगा। ये मेरी समाजवाद की विचार, मेरी विचारधारा समाजवादी है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे एक होता है कि कोई प्रोफेसर है या किसी के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, तो यू नो लोग उनके राइटिंग को, उनकी लेखनी को सीरियसली लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लेखनी को, आपके लिटरेचर को लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे या किस ढंग से एक्सेप्ट करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए, कभी आपने सुना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम के आगे डॉक्टर लगाया गया, वाल्मीकि के नाम के आगे डॉक्टरेट लगाया गया? कबीर, रहीम, तुलसीदास, कोई तो डॉक्टरेट नहीं थे। हम लोग जिस भाषा में बात कर रहे हैं, मैं जिस भाषा लेखनी में लिख रहा हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्कूली शिक्षा भी नहीं हुई थी। अच्छा, आप आ जाइए प्रेमचंद। प्रेमचंद न एमए थे न एमफिल थे। दिनकर, दिनकर ने तो मैट्रिकुलेशन भी नहीं किया था। तो ये बिल्कुल गलतफहमी है कि वही लिख सकता है जिसने डॉक्टरेट किया हो, एमफिल किया हो, एमए किया हो। देश में जितने बड़े नाम हुए हैं, बाय गॉड ग्रेस, इन सब की शिक्षा मेरे से कम थी। मैंने, मेरे पिताजी ने गलती से मुझे ग्रेजुएट करवाया है। तो यानी सर, आपका ये मानना है कि लेखनी जो है वो अपनी कला से होती है, उसे किसी तरह के किसी टैग की जरूरत नहीं है कि मैंने कोई डिग्री की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक नया पाठक वर्ग डेवलप कर रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि भारत में हिंदी के पाठक बढ़ रहे हैं। तो हिंदी के लोग, ये जो कहते हैं ना, कई लोगों को आप देखिएगा कहेंगे अब पुस्तक कौन पढ़ता है। हाँ। उल्टा हो रहा है, हिंदी के पाठक बढ़ रहे हैं क्योंकि हिंदी जानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी जानते हैं। और आपको कितने लोग चाहिए? यदि आप 1%, मैं सिर्फ 1%, यदि आप किताब, यदि आप लोगों तक पहुंचा दें
तो आप समझिए कितनी बड़ी संख्या होगी। मैं उतनी गणित में नहीं जाऊंगा, आप उस संख्या को समझिए कितनी बड़ी संख्या होगी। तो यदि आप 1% लोगों को तक नहीं पहुंच पाते हैं तो लिखना बंद कर देना चाहिए। और यदि आपको ये काबिलियत आपको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के पुस्तकालयों में और नॉर्थ के ईस्ट के विश्वविद्यालयों में यदि मेरी शिखर के छूते ट्राइबल्स पढ़ी जा रही है और खरीदी जा रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे अब इसका पार्ट 4 जो मैं ला रहा हूँ वो और जल्दी लाना चाहिए। हाँ सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी शहर के ही बारे में कि जमशेदपुर एज अ प्लेटफॉर्म फॉर लिटरेचर, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? जमशेदपुर ही क्यों, मुझे लगता है कोई भी शहर, छोटा से छोटा शहर हो या बड़ा से बड़ा शहर, यदि वहाँ हवा है और यदि पानी है तो वहाँ साहित्य भी है। जहाँ प्रकृति है वहाँ साहित्य है। अब जमशेदपुर की यदि बात करें तो बांग्ला के सबसे बड़े लेखक हुए विभूति नारायण बंदोपाध्याय, उनकी एक कहानी उपन्यास बहुत फेमस हुआ था, पाथेर पंचाली। जी हाँ। 1950 में शायद 1950 में उनका डेथ हुआ था और घाटशिला में उनका घर है। अच्छा। तो जमशेदपुर तो साहित्य का बहुत उर्वरक भूमि रही है। जमशेदपुर से डॉक्टर बच्चन पाठक सलील, सी भास्कर राव, विजया शर्मा, जयनंदन जी, डॉक्टर राकेश मिश्रा, अभी वर्धा में महात्मा गांधी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो बहुत सारी हस्तियां, शंकर जी, बड़े बड़े नाम इस शहर से निकले हैं जिन नामों की गिनती करना मुश्किल है। और मेरा ये मानना है यदि आप कुछ अलग हटकर लिख रहे हैं तो आप किसी भी देश के कोने में रहिए, आपको एक पहचान मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ बहुत पुस्तकें छप रही है, हर महीने 1-2 पुस्तकों का लोकार्पण होता है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं जो पुस्तकें लिख रहा हूँ मैं IAS कोड के अनुरूप लिख रहा हूँ। हिंदी की जो लिपि है उसको हाँ। पूरे देश में एक रूपता बनाने के लिए एक IAS कोड आ गया है 16500/2012। तो मेरे जो लेखन है, मेरा लेखन या प्रयास होता है कि मैं एज पर IAS 16500 के अनुरूप लिखूं, उससे इसको वैश्विक पहचान मिलेगी। हाँ, और कल को जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरी पुस्तक उपयोगी होगी। दूसरा मेरा प्रयास होता है कि मैं अपनी पुस्तकों में संदर्भ डालूं, रेफरेंस। तो आप जमशेदपुर ही नहीं, आप कहीं भी रहकर यदि आप पाठकों के लिए उपयोगी मटेरियल लिख रहे हैं तो आपका लेखन पढ़ा जाएगा और वो एक लंबे समय तक उसको याद किया जाएगा। तो ये जो आपने अभी बताया सर, ये आई एम श्योर कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्हें लिटरेचर में उन्हें आगे करना है, आगे बढ़ना है, इस फील्ड में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी होगी, एक बहुत अच्छा टिप होगा फॉर राइटिंग जो भी अभी आपने बताया। सर जैसे कि आपने इस पूरे दौरान रिसर्चर्स को लेकर आपने बहुत जगह बात कही, तो यानी आप जो कॉन्टेंट लिखते हैं दैट लिटरेचर, ये एक्चुअली रिसर्चर्स के लिए है आई गेस। मेरा जो टारगेटेड रीडर है कहीं ना कहीं वो रिसर्चर है। जी, तो सर मैं चाहूंगी कि आप उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं रिसर्चर को ये कहना चाहूंगा कि आप डेली लिखिए। यदि आपको 300 पेज कंप्लीट करने हैं तो आप डेली लिखिए, चाहे एक पैराग्राफ लिखिए बट डेली लिखिए। लिखने की आदत छूटी तो आपका लेखन छूटा। होता क्या है, रिसर्चर अपने मान लीजिए 18 महीने का उसका ड्यूरेशन है, वो 12 महीने तक क्या करता है कि वो 12 महीने तक सिर्फ पढ़ते रहता है, 6 महीना में चाहता फटाफट में रिसर्च कंप्लीट कर दूँ, जो राइटिंग है अपनी थीसिस कंप्लीट कर दूँ। वो जो थीसिस लिखाती है वो मजा नहीं आता है। यदि आप फ्रॉम फर्स्ट डे, जिस तरह से हम लोग होता है ना, बुक लेके बैठते हैं और उसमें अंडरलाइन करते जाते हैं, अच्छे पॉइंट्स मिलते जाते हैं, यदि रिसर्चर एवरी वीक एवरी डे यदि एक पैराग्राफ एक सेंटेंस लिखना स्टार्ट करे और सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे फिफ्थ डे उसको रिव्यू करे, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ उसकी जो थीसिस बुक होगी वो बेस्ट सेलिंग बुक बन जाएगी। जी, थैंक यू सो मच सर, ये बहुत अच्छी एक सीख रही एंड आई एम श्योर कि आज का ये जो हमारा इंटरव्यू रहा, इन अ वे इंटरव्यू तो ये बिल्कुल नहीं लगा, वी गॉट टू नो कि आप अदर देन अ बिजनेस मैन, लोग शहर में सबको ही आपको जानते हैं, बट आपके एक दूसरे साइड को हम लोगों के सामने लेकर आए एंड इससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच सर, अपना वक्त देने के लिए एंड अपने लाइफस्टाइल को हमसे शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, न्यू एंड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज एंड स्टोरीज के लिए कीप वॉचिंग द मीडिया पुरवाला एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मीडिया पुरवाला।